हमें अभी अभी पता चला है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मॉनिटर लिजार्ड आ गया है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए उनसे ये कुत्ते डर रहे हैं कि वो उनको काट ना ले। पर अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कंट्रोल में आ गया है और इसको हम ले जा रहे हैं बाहर। मुझे देखना होगा कहीं इसके चोट ना लगी हो, नहीं तो इसके ट्रीटमेंट करना होगा। हाँ, यहाँ कुछ चोट इसकी लाई शायद लगी है। सांप या कोई भी जीव हो, प्लीज़ आप उसको मारिए मत, कोई हानि मत पहुँचाइए, या जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे पकड़वा के थोड़ा दूर जंगल में छुड़वा दीजिए, कुछ नहीं होगा। इसके जो पंजे हैं ना, देखो, पहले कहते थे जो चोर डाकू होते थे उनके पंजों से ग्रिप बना लेते थे और बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें होती उन पर चढ़ जाते थे। अब इसको थोड़ा उपचार करके फिर ठीक जगह छोड़ेंगे। मुझे टच मत, वहाँ पर टच मत करो, सड़ गया पूरा। तो वहाँ टच मत करो, मवाद निकल रहा है। मवाद नहीं निकल रहा। कोई वो ना, कोई लकड़ी लाना, मैं इसके लिए लकड़ी है साफ कर। यस यस, नहाया नहीं है और इसके मेडिसिन लगाते हैं। और यहाँ यहाँ देखिए इसकी कुत्तों ने ना ये खाल उपाड़ दी है। डरो नहीं भाई। मोहित भैया इसका जो गंध है वो छुड़ा रहे हैं, इसके बाद इसको नहलाएंगे साबुन से। ईसा माता गई हैं इसकी मेडिसिन लाने, वो ला के देंगे तो मोहित बहन को उपचार करेंगे। कोई कपड़ा है इसको नहाना, नहलाएंगे तो नहीं, क्योंकि पता नहीं इसकी जो इसका शरीर है वो सहन कर पाएगा, वाटर रेजिस्टेंस है। इसके नाखून देखो, इस पे नहीं भाग सकते हो जल्दी। इसके पत्थर पे, स्लीपर पे, हाँ स्लीपर पे नहीं भाग सकते ज़्यादा तेज़, नाखून एकदम चौंका। अभी बहुत रिलैक्स में हो गया है क्योंकि ये जानता है कि इसकी दवाई हो रही है और हम लोग इसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। जो श्री हरि के भक्त है उनके साथ अनहित कभी नहीं हो सकता, लेकिन निश्चिंत हैं। देखिए कितने प्रेम से ये अपनी सफाई करवा रहा है, क्योंकि ये जानता है कि हम इसको कोई हानि नहीं पहुंचा रहे, तो ये भी इंजॉय कर रहा है। तो अब दोस्तों इसको थोड़ा मिट्टी में ले चलते हैं ताकि वहाँ आराम से, ये पक्का है ना, इसकी नाखूनों में हो सकता है ये रिलैक्स में ना आ पा रहा होगा, दर्द हो रहा। यहाँ ठीक है, अब स्पीड पकड़ेगा, ये दौड़ना नहीं है भाई, तुम्हें ठीक करना है। एलोवेरा, ये टूटा हुआ तोड़ना, टूटा हुआ एलोवेरा। कहीं भी चोट लग जाए या फिर घाव हो जाए तो एलोवेरा के पत्ते अगर मिल जाएं तो उनके साथ थोड़ा जो ब्लड है ना, ब्लडिंग बंद हो जाती है। पैर के पास, पैर के पास, वो देख लो ना, ये पैर के, हाँ ये इसके घाव, एक ये भी है। अबे तुम थोड़ा दूर ही रहना। इसको अब बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसको अब अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये एलोवेरा ठंडा होता है। और मैं पकड़ाऊंगा, ये घाव है इसके।
थोड़ा चलाते हैं ताकि अब ये लग रहा है ऊर्जा में कि एनर्जी लौट रही है। चलाओ चलो मित्र, ये लग रहा पड़ा है, बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। तो शरीर कितनी है उसकी? यहाँ से जैसे दिखाओ ये और मैं दोनों। हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट इस समय यही है, मैं जाऊंगा तो ये भाग जाएगा तब तक। बाकी कागज को दूर इसके ऐसी घनी झाड़ियों में छोड़ देंगे जहाँ आराम से ये रहे। एलोवेरा आदि लगाने के बाद अब इसके घावों पर थोड़ी डिटॉल से साफ करके मरहम पट्टी लगा देंगे ताकि ये आराम से जहाँ भी रहे ये फंगल इन्फेक्शन बढ़े नहीं और ये अच्छे से रह पाए। हमारे पास जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। वीडियो चालू है? हाँ। पास आएगा जो प्राथमिक उपचार है वो कर दिया है हम लोगों ने, बस इसकी जीव थोड़ी खतरनाक है, पता चला लंबी करके टच कर दे मुझे। अब इसके विटामिन डाल दिए, अब ये इसके सफेद एलर्जी पाउडर है ना, सब प्रकार की एलर्जी खत्म कर दो। मुझे इसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। विमल अंदर नहीं गया उसके, उसने पूरा शरीर अपना जोड़ दिया था। ओ देखो खुल गया, अब खुला है, अब अच्छी है। चेंज पोजीशन, नाइस, बट इफ वुंड सम इन्फेक्शन। पूरे घाव पर मैंने ये पाउडर डाल दिया है जो पूरी तरह एंटी एलर्जिक है, एंटी बैक्टीरियल भी है। अब मैं निश्चिंत हूँ और ये भी। तो दवाई लग गई, दवाई लग चुकी है ना। तो इस मित्र का इलाज हमने कर दिया है, इसके एलोवेरा के बाद बीटाडीन भर दिया और वो एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक पाउडर भी लगा दिया। अब इसको इसके स्थायी आवास जंगल में छोड़ रहे हैं जहां ये मजे से रहेगा। ठीक है मित्रों, राधे राधे, और तुम्हें भी राधे राधे दोस्त। अब यहाँ पर ये बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से रहेंगे। तो मित्रों, कोई भी पशु पक्षी हमारी हानि नहीं पहुँचाते, हम ही उनको हानि पहुँचाते हैं, इसीलिए दिखें तो मारना मत। किसी प्रोफेशनल से पकड़वा के उनका ट्रीटमेंट कराना और उन्हें सुरक्षित दूर जंगल में छोड़ देना जो उनका स्थायी घर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे।